भाभी आप तो मरु देवी माता राज माता बने राज माता, आपका तो बेड़ा पार हो गया। आप माता, हे माता, आपका तो बेड़ा पार हो गया। तो आइए हम देखते हैं मरु देवी माता का ध्यान किस तरह था। ऋषभ हाथी के अंबारी में बैठ कर आए हैं। ऋषभ, बहुत दिनों से मुझे तुम्हारी कोई खबर नहीं मिली है, कहाँ हो तुम? राज महलों में रहने वाला, महलों का राज सुख भोगने वाला, और जंगलों में दर दर भटक रहा है। इतनी सर्दियों में वो उसकी कोमल काया कैसे ठंड सहन कर पा रही होगी, और गर्मी के दिनों में भी इतनी कड़ी धूप उसकी नाजुक काया कैसे सहन कर सकती होगी? मुझे तो ये सोच कर भी सहन नहीं हो रहा है। राजमहल में तो भोजन के लिए तो रोज 56 भोग बनते हैं, और वो भिक्षा के लिए आज दर दर भटक रहा है। उसे भिक्षा मिलती होगी कि नहीं मिलती होगी? मुझे मेरे बेटे को आज मिलना ही मिलना है। मूल्यवान वस्त्र और अलंकारों से उसका देह कितना सुशोभित था, और आज कैसा क्रूश हो गया होगा। भरत, ओ भरत, कहाँ हो तुम? मुझे मेरे बेटे के पास ले चलो, मुझे जाना है ऋषभ से मिलने, मुझे जाना है, मैं जा रहा हूँ। अरे सुनो, ये मैं क्या देख रही हूँ? अरे भव्य ऐसा समोसा, और यहाँ पर सभी देव देवी, इंद्र, इंद्राणी, राजा महाराजा सभी विराजमान है, और मेरा बेटा ऋषभ सबसे ऊपरी स्थान पर सिंहासन पर विराजमान है। ऋषभ, और वो तो मेरी तरफ देखता ही नहीं है, उसे तो मेरी बिल्कुल परवाह ही नहीं है। उसने तो सारे मोह ममता का त्याग करके सर्वज्ञ बन गया है वो तो। मैं भी पगली हूँ, ऋषभ किए जा रही हूँ। आज से मैं भी सारे मोह ममता का त्याग करके अपने आप में रहती हूँ।